नाज नहीं, जैसे कि आप देखे हैं प्याजों का कलर चेंज हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह ही रखना है, क्योंकि ये प्याज हमारे जाने हैं दम पे। तब मैं ये प्याज निकाल लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अपने प्याज निकाल लिए हैं जो मैंने हल्के से पिंक कर लिए थे। अब ये बाकी मैंने ये प्याज इसी में रहने दिए हैं जो कि मैं इसमें मसाला बनाऊँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ इसमें, ये मैं हर खाने में यूज करती हूँ। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यही यूज करती हूँ। बहुत तो कम है, इसमें मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। आप जितना आप यूज़ करते हैं उसके मुताबिक डालें, मैं तो नमक कम यूज़ करती हूँ। अब वैसे भी मैं इन पर टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं और ऐड कर लेती हूँ। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन मैंने जो भिंडी फ्राई की हुआ और प्याज उसमें भी ऑयल है, इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ इसमें। अब मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ एक चम्मच, और हल्दी पाउडर एक चम्मच, 1 टेबल स्पून। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून। और ये मैंने मसाला बनाया हुआ अपना, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ऐड किया, नाज़रीन। अब मैं इसमें 2 अदर टमाटर का जो मैंने कूटे हैं चट्टू अट्टे में, मोस्टली ना टमाटर फ्रीज कर लेती हूँ, वो नीचे फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए भी मैं इसको, ये फ्रीज हुए टमाटर थे मेरे 2 अदद बड़े साइज़ के, तो मैंने कूट के इसमें ऐड किए हैं। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड करूंगी और ये प्याज ऐड करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, कुछ लोग, हर बंदा अपनी अपनी रेसिपी से बनाता है, भिंडी करेले और ये वो, लेकिन मैं इस रेसिपी से बनाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत मज़े की बनती है भिंडी। मेरी अम्मी की रेसिपी है। भिंडी हो गए, करेले हो गए, ये तो गर्मियों की सौगात है, इसके साथ तंदूर की रोटी हो या लस्सी हो, मज़ा आ जाता है खाने में। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी भिंडी जो मैंने फ्राई की थी, और प्याज। आंच मैं हल्की कर दूंगी इसकी, बिल्कुल लाइट दम वाली आंच। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था मसाला बिल्कुल ड्राई है और ये नीचे से लग ना जाए सारा।